हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की, जो कि आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद एक-एक पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इस आयोग का गठन किया गया, जो कि एक सांवैधिक निकाय है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम वर्ष 1995 से संबंधित है एवं यह आयोग एक सांवैधिक निकाय है। दोस्तों, इस आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को हुई। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यदि हम इस आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष एवं दो अशासकीय सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों, इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, प्रथम अध्यक्ष। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। अब हम चर्चा करते हैं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, इस आयोग के कार्य हैं ऐसे कार्य आदेशों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हों, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना, नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करना। विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। दोस्तों, एक बार अब हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने किन किन तथ्यों के बारे में चर्चा करी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जो कि एक सांवैधिक निकाय है। दोस्तों, इसकी स्थापना 29 जून 1995 को हुई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष व दो अशासकीय सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इस आयोग के अर्थात मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं। यदि हम चर्चा करें आयोग के कार्यों की तो इसमें हमने बात करी थी आयोग ऐसे कार्य आदेशों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हों, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करेगा, नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देगा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करेगा। विशेष तथ्यों में हमने बात करी थी अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। यह आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है एवं इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। दोस्तों, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के एक एक पहलू पर, जिसमें हम बात करेंगे परिचय की, संरचना की, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की,
अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की, रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की एवं आयोग के कार्यों की। तो हम शुरुआत करेंगे आयोग के परिचय से। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इस आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इस आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आयोग की संरचना की यदि हम बात करें तो दोस्तों, आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अशासकीय सदस्य शामिल होते हैं। इसमें एक सचिव को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, 3 में से 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे, यह बात आवश्यक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं। अनुसूचित जनजाति विकास आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों, आपको यह तथ्य ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति विकास आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की। तो दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है, एवं अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। तो दोस्तों, हमने राज्य सरकार के संबंध में यहाँ पर 3 बातें डिस्कस की, जिनमें शामिल है इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्तों का निर्धारण एवं त्यागपत्र। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को सौंपा जाता है। तो आप यहां पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन को भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट में आयोग द्वारा जो भी सलाह दी जाती है, विधानमंडल उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल सलाह ना मानने का कारण विधानमंडल को बताना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देता है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करता है। लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देने का कार्य भी करता है। ऐसे कार्य एवं आदेशों का पालन करता है जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने समग्र रूप से मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा करी। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें। हमारे वीडियोस को आप ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। लगातार आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।